दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। टोक्यो जापान में ये घर एक आर्किटेक्ट ने खुद के रहने के लिए बनाया है जो अंदर से बिल्कुल लग्जूरियस बना है। बाहर से माचिस की डिब्बी जैसा दिखता है घर, अंदर से देख नहीं होगा यकीन। बाहर से सिंपल और छोटा सा नजर आ रहा है घर, अंदर से ऐसा है लग्जूरियस बाथरूम। वैसे तो आपने एक से एक आलीशान और भव्य घर देखे होंगे जो बाहर से शानदार नजर आते हैं और अंदर से भी भव्य होते हैं। हम आपक बताने जा रहे हैं उस घर के बारे में जो बाहर से तो सिंपल और एक डिब्बा सा नजर आता है लेकिन अंदर से लग्जूरियस फील कराता है। कैसा है ये घर? ये छोटा सा घर जापान में टोक्यो के सुगिनामी इलाके में है जो द निया की कीमती जगहों में से एक है। ये घर सिर्फ 594 वर्ग फीट का है और त्रिकोणीय आकार में बना है। इसके एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ सड़क। इस जगह को आर्किटेक्ट मिजुशी ने इस तरह डिजाइन किया कि वह एक 2 मंजिला मेंशन होम में बदल गया। अंदर से ऐसा लग्जूरियस लुक है घर का। इस घर को बनाने के लिए एक बहुत छोटा से कॉर्नर मिला था जिसे मिजुशी ने अपनी कल्पना शक्ति से ऐसे घर में बदल दिया जिसके बारे में सोचना भी संभव न था। इस घर में मिजुशी अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहते हैं। इसमें बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर है तो लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पर। इसमें एक प्ले रूम भी बना है। इस घर में एक बड़ी विंडो बनी है जिसकी वजह से घर में रोशनी बनी रहती है। इसमें एक मॉडर्न किचन और बाथरूम भी इसको लग्जूरियस लुक देता है।